दोस्तों चंद्रकांत देवतालय की कविता है कि जब मां खाना परोसती थी। वे दिन बहुत दूर हो गए हैं जब मां के बिना परोसे पेट भरता ही नहीं था। वे दिन अथाह कुएं में छूटकर गिरी पीतल की चमकदार बाल्टी की तरह अभी भी दबे हैं शायद कहीं गहरे। फिर वो दिन आए जब मां की मौजूदगी में कौर निकलना तक दुश्वार होने लगा था, जबकि वो अपने सबसे छोटे और बेकार बेटे के लिए घी की कटोरी लेना कभी नहीं भूलती थी। उसने कभी नहीं पूछा कि मैं दिन भर कहां भटकता रहता था और अपने पान तंबाकू के पैसे कहां से जुटाता था। अक्सर परोसते वक्त वो अधिक सदैव होकर मुझसे बार बार पूछती होती और थाली में झुकी गर्दन के साथ मैं रोटी के टुकड़े चबाने की अपनी ही आवाज सुनता रहता। वो मेरी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती पहचानती थी और मेरे अक्सर अतपेट खाए उठने पर बाद में बर्तन अबेड़ते चौके में अकेले बड़बड़ाती रहती थी। बरामदे में छिपकर मेरे कान उसके हर शब्द को लपक लेते थे और आखिर में उसका भगवान के लिए बड़बड़ाना सबसे खौफनाक सिद्ध होता और तब मैं दरवाजा खोल देर रात के लिए सड़क के एकांत और अंधेरे को समर्पित हो जाता। अब ये दिन भी उसी कुएं में लोहे की वजनी बाल्टी की तरह पड़े होंगे अपने बीवी बच्चों के साथ खाते हुए। अब खाने की वैसी राहत और बेचैनी दोनों ही गायब हो गई। अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से खाते हैं और दूसरे के खाने के बारे में एकदम निश्चिंत रहते हैं। फिर भी कभी कभार मेथी की भाजी या बेसन होने पर मेरी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती टोहती उसकी दृष्टि और आवाज तैरने लगती और फिर मैं पानी की मदद से खाना गटक कर कुछ देर के लिए उसी कुएं में डूबी उन्हीं बाल्टियों को ढूंढता है।